जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, जिसको हम लोग हिंदी में पंजीयन बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, और ये जो फॉर्म आप लोगों को भर कर देना है, ये सैम्पल है, ठीक है। तो इसको जब आप भर के दोगे तो बिल्कुल सही सही जो आप भर के दोगे वही वहाँ पर आपका अपडेट होगा। अगर आप यहाँ इन्फॉर्मेशन गलत दोगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, तो आपका जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा ना, तो वो भी गलत ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9 के लिए ईयर 2025 के लिए, ठीक है, तो आप लोगों का हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेशन आप लोगों का जो चल रहा है वो 2024-26, ठीक है, 26 में आप लोग दोगे मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले स्कूल का नेम एंड इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो कोड डालना है। सबसे पहले मान के चलो कि अगर आपका कोड है 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी कोड होगा तो वो देख करके यहाँ पर भर लीजिएगा। और याद रखिएगा उसका जो आप जो भरोगे इसको ना, तो वो बॉक्स के अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर भरने के बाद आप यहाँ पर इसका स्कूल का नाम लिख दोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मेरे स्कूल का नाम राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इंटर स्कूल, ठीक है। और मैं साहिबगंज का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा साहिबगंज। तो इसमें आप लोगों को इस तरह से लिखना है, राजस्थान इंटर स्कूल साहिबगंज। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अपने विद्यालय का नाम लिखोगे, यहाँ पर विद्यालय का कोड लिखोगे। इतना करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स, यानी आपका नाम, स्टूडेंट का नाम, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, यहाँ पे नाम लिखिएगा। अब जैसे नाम लिखने में, जैसे कि आप लड़की का अगर नाम जैसे पिंकी कुमारी होगा, तो वो पहले पिंकी लिखेगी, PINKY, कुमारी लिखने के लिए वो एक बॉक्स छोड़ देना है, एक बॉक्स छोड़ कर तब फिर यहाँ पर कुमारी लिखना, सटा मत दीजिएगा उसमें, ठीक है। लड़का जैसे अजय कुमार है, तो वो यहाँ पे AJAY अजय लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे KUMAR कुमार लिखेंगे, अजय कुमार, तो एक बॉक्स छोड़ करके। यानी कि जितने नाम आपके अलग अलग होते चले जाएंगे, आप कुछ मुस्लिम बच्चे होते हैं जिनका यहाँ पर उनका नाम तीन कैटेगरी में आता है, वो लोग क्या करते हैं, पहले MD लगाते हैं, फिर एक स्पेस देना होगा, फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। जैसे मान के चलो एक नाम यहाँ पर सोच लेते हैं हम लोग, कोई भी अली सोच लेते हैं, तो यहाँ पे अली, ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलो उसको यहाँ पे एक और टाइटल देना है, अंसारी या फिर खान लगाना है, तो फिर वो एक स्पेस छोड़ करके लगाएगा। यानी जितना भी नाम होगा तो वो एक स्पेस छोड़ के लगाना है, लगाया जाता है। बहुत सारे, अब यहाँ पे फादर नेम है आपका, ठीक है, तो फादर नेम में ध्यान से देखिएगा। फादर नेम में अगर आपका जितने भी डिवाइडेड है नाम, आपको हर एक के बीच में एक बॉक्स आपको छोड़ना होगा, ठीक है। जैसे मनोज कुमार है ना, एक नाम था मैंने देखा था एक बच्चे का, फादर नेम था मनोज, MANOJ मनोज। अब कुमार लिखने के लिए एक स्पेस छोड़ करके KUMAR कुमार, उसके बाद उसका नाम रमानी टाइप इस टाइप से था, तो हम यहाँ पे RAMANI, देखिए तीन नाम था उसका, तो तीन जगह स्पेस छोड़ना होगा। दो नाम रहेगा तो दो जगह स्पेस छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। मदर नेम भी बिल्कुल उसी प्रोसेस में आपको यहाँ पर भर लेना है अच्छे से। इसके बाद देखिए जेंडर, जेंडर में आपको मेल हो फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर का मतलब हो गया जो मिला जुला होता है, तो ये बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है, तो इसमें आप लोग दिमाग ही मत लगाओ। तो मेल हो तो मेल में टिक आउट, फीमेल है तो फीमेल में टिक आउट, छोटा टिक आउट करोगे, मेरे तरह बड़ा मत कर देना, छोटा बॉक्स में ही करना है। उसके बाद रिलीजन, आप कौन से धर्म से आते हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, तो हिंदुइज़्म तो ठीक है आपका, और मुस्लिम लोग जो है इस्लाम में करेंगे, बाकी सब आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। स्टूडेंट आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर चार चार करके यहाँ पे डालना है, और बढ़िया से डालिएगा, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा से देख के एक बार। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में आपका है वही भरिएगा, यहाँ पे डेट भरिएगा, मान के चलो कि आपका 11 जुलाई है तो 11 लिख दीजिए, ठीक है, या अगस्त है तो 11 लिख दीजिए, अगस्त है तो अगस्त में 8वां महीना है तो यहाँ पर 08 लिखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना, यही तीन ठो ऐसा नाम है जो यहाँ पर फिलअप होता है, बाकी सब क्या गया तो आपको 0 लगा के ही भरना ही होगा। जनवरी, सॉरी, यहाँ पे इसी तो डेट है ना, इसमें 01, 02, 03 ऐसे ही भराता है। साल आपका जैसे कि 1990 चार डिजिट में आएगा, उसके बाद किसी का 2000 है, आप लोग का अधिकतर डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद का है, तो 2010 अगर लिखना है तो इस तरह से लिखोगे, 2009 लिखना है तो इस तरह से लिखोगे, तो इस तरह से इसमें आप लोगों को भरना है डेट ऑफ बर्थ, सब आधार कार्ड में आपका लिखा हुआ है। नेशनलिटी तो आप लोग इंडिया के हो भाई, इंडिया लिखना है, पाकिस्तान के थोड़ी ना हो। अब यहाँ पे लिखो दिव्यांग, मतलब आप थोड़ा सा अपाहिज हो किस टाइप में, मतलब ब्लाइंडनेस है आपको, अंधापन है, लो विजन है, कम दिखता है, ठीक है, लोकोमोटर है, ड्वार्फिज्म है,
बहरापन है, थैलेसीमिया है, क्या है आपको, ठीक है, या और कुछ है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ऐसा कुछ है आप में तो आपको यहाँ पे शो आउट करना है, और नन है, कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे नन करना है। देखिए यहाँ पे छिपाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो है वहाँ पे करना है। इससे क्या होगा कि आपको सरकार सुविधा देती है, बात समझ में आया कि नहीं। चलिए, जिसका हाथ कटा रहता है ना, जैसे मान लो कोई बंदा है, ठीक है, उसका हाथ ही कट गया है लेकिन वो पढ़ा लिखा बंदा है, उसको एग्ज़ाम देना है मैट्रिक का, तो इसके बदले में एक वहाँ पे एक और बंदा को बैठाया जाता है जो उसके ये इसको बताता है, वो उसको लिखता है, ठीक है। इस तरह से सरकारें सुविधा देती है, इसलिए आपको जो भी दिक्कत है तो यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए कास्ट, कास्ट में आप जनरल में आते हो तो उसको बिल्कुल अच्छी बात है, वरना आप SC हो, ST हो, BC1 हो, BC2 हो, या फिर EWS है, तो इसमें आप लोग को जिस भी कैटेगरी में आप आते हो तो आप लोग वहाँ पर टिक आउट कर लीजिएगा। एरिया यहाँ पर आप रूरल हो, अर्बन में रहते हो, ये अपना अपना देख करके आप लोगों को कर लेना है। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ साफ साफ, रूरल का मतलब यहाँ पर ग्रामीण से लेना है और अर्बन का मतलब यहाँ पे शहरी से लेना है। तो आप कौन से क्षेत्र में रहते हो, ग्राम में रहते हो तो ग्राम वाला रूरल कर लेना, शहर में रहते हो तो अर्बन को टिकआउट कर लेना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पे आना है। परमानेंट एड्रेस के लिए सबसे पहले आप लोग AT लगाइएगा। AT लगाने के बाद डैश दे करके आप अपने विलेज का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद शहर का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट है तो आप यहाँ पे झारखंड भरोगे, ठीक है, बढ़िया से भरना, JHAR इस तरह से, ठीक है। अगर आप लोग कॉमेंट करोगे भैया पेपर में भर के दिखा दीजिए तो मैं पेपर में भर के आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आप लोग कौन से ज़िला में रहते हो, जैसे मैं साहिबगंज ज़िला में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर SAHIBGANJ इस तरह से आपको साहिबगंज भरना है, ठीक है। ब्लॉक आपका कहाँ पड़ता है, तो ब्लॉक हमारा साहिबगंज में ही पड़ता है, तो आप लोग का ब्लॉक कहाँ पड़ता है तो आप लोग भी अपना ब्लॉक यहाँ पे देख के भर लेना है। पिन कोड आपका कितना है, जैसे हमारा पिन कोड है 8161 09, तो हम लोग इस तरह से भरेंगे। स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर भर सकते हो, ठीक है, जैसे ये हमारा मोबाइल नंबर है तो हम इसमें भर देंगे, ठीक है, 9798054010, सबको पता है कि जयपुर का मोबाइल नंबर है ये, इस तरह से भरना है। इसके बाद अगर आपका कोई ईमेल आईडी है तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, ईमेल आईडी आपको देना है। इसके बाद होगा क्या, आपको कैटेगरी चूज़ करना है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो आप लोग रेगुलर ही होते हो तो आप लोग रेगुलर में कीजिएगा। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, बंगाली में, या फिर उड़िया में, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो हिंदी में ही एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग को हिंदी वाला को टिक आउट करना है। लैंग्वेज वन में आप क्या रखोगे, तो जैसे बच्चे लोग रखते हैं हिंदी HND A, है ना, हिंदी ए रखते हैं तो हिंदी ए रख लीजिएगा। लैंग्वेज टू में आप क्या रखोगे, तो इंग्लिश रखते हो तो ENGLISH इंग्लिश रख लेना, ठीक है। तो आप पूरा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप टीचर से एक बार कंफर्म कर लोगे कि सर हम इस तरह से लिख दें HND A इस तरह से लिख दें, या फिर आप पूरा पूरा लिख दें इस तरह से HINDIA हिंदी है इस तरह से लिख दें बीच में स्पेस छोड़ करके, या फिर HND करके, तो ये आप कंफर्म कर लेना कि भाई सर कैसे लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डाउट है, ये वाला आप कर लेना। लैंग्वेज टू आपका क्या हो जाएगा, आपका इंग्लिश है तो आप यहाँ पर इंग्लिश रख लेना, ठीक है। देखो भाई इंग्लिश को रखना ENGLISH इंग्लिश यहाँ पे भरना है सबको लैंग्वेज टू में, क्योंकि आपका पेपर में अगर लैंग्वेज पेपर इंग्लिश नहीं रहेगा ना तो आगे चल के आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए आप लोगों को लैंग्वेज में इंग्लिश को रखिएगा। एडिशनल में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत को रखते हो, तो आप यहाँ पर संस्कृत भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद APAR ID, अगर APAR ID आप लोग स्कूल की तरफ से मिलता है या फिर बनवाया जाता है तो आप अपने स्कूल से संपर्क करके यहाँ पे अपना APAR ID जरूर भर लीजिएगा, नहीं है तो बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये स्कूल की तरफ से बनवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सेक्शन, आपकी सेक्शन में अपने सेक्शन ए, सेक्शन B, सेक्शन C, कौन सा सेक्शन से बिलोंग करते हो। क्लास का रोल नंबर, अभी प्रेजेंट में आप लोग क्लास 9 में कितना रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पेस ऑफ स्टूडेंट्स फोटोग्राफ का ये स्पेस दिया गया, इसके अंदर ही आपको फोटोग्राफ लगानी है अपनी। स्पेस ऑफ द सिग्नेचर, आप यहाँ पे सिग्नेचर याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, इसमें कर लेना है। सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर मदर, आपके मम्मी या आपके पापा में से कोई एक, दोनों का नहीं, किसी एक का यहाँ पर आपका सिग्नेचर कराना है, ठीक है, याद रखिएगा, फादर या फिर मदर। फॉर इंस्टीट्यूट ओनली, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये सब इंस्टीट्यूट के लिए, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, बात समझ में आया।
चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो जो डाउट था मेरा वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अमॉन्गस्ट हिंदी ए का एच एन ए आप लिख सकते हो, हिंदी बी के लिए एच एन बी का प्रयोग कर सकते हैं, और इंग्लिश के लिए ई एन जी वन सब्जेक्ट शुड बी टेकन एज लैंग्वेज और लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू, मतलब यहाँ पे दे दिया है। देखिए, या तो हिंदी ए, या तो हिंदी बी, या फिर इंग्लिश। अब इनमें से आप लोगों से तीनों में से कोई एक को आप लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में डालना है, ठीक है, एक एक करके आप डाल सकते हो। तो मैंने आपको बोला ना, हिंदी ए ले लीजिएगा तो फिर इंग्लिश डाल दीजिएगा, ठीक है। सेम सब्जेक्ट कैन नॉट बी टेकन टुगेदर एनी कॉम्बिनेशन इफ़ दिस पर्पस हिंदी ए एंड हिंदी बी विल बी कंसिडर्ड एज सेम, ठीक है, हिंदी ए और हिंदी बी सेम माना जाएगा, इसलिए आप इसको लेंगे। फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड शुड नॉट बी मोर 3 मंथ ओल्ड, यानी कि आपको फोटो जो है वो 3 मंथ पुराना नहीं देना है, 3 मंथ से ज़्यादा पुराना। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड नॉट एग्जिस्ट ऑफ द बॉक्स एरिया, बॉक्स के बाहर नहीं करना है, बॉक्स के अंदर ही रखना है फोटो को भी। इफ़ यू बिलोंग टू कास्ट अदर देन जनरल, इट मैंडेटरी सबमिट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो, अगर आप ओबीसी में BC1 BC2 से आते हो, या फिर और कोई है SC ST हो आप, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। कब तक का डेट है आप लोग देख लो, आप लोग जिसके पास नहीं है तो वो बना लेना। गेट प्रिंटेड कॉपी फॉर योर चेकलिस्ट फ्रॉम स्कूल एंड लुक योर डिटेल्स वेरी केयरफुल्ली, आप लोग उसको जो फॉर्म आप भरो भर भर के दोगे तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक रहेगा तो आपको अपने स्कूल को सूचित किया करना होगा कि मेरा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया, सॉरी क्लास नहीं बोले, वीडियो पसंद आया होगा। और हमारे चैनल पे आप लोग परीक्षा की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर के आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो है 9798054010 पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में परीक्षा की तैयारी के लिए।